गूगल क्रोम नाम तो सुना ही होगा आप लोगों ने। अगर आप एंड्रॉयड फ़ोन यूज़र हैं और आप एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ करते हैं तो आपके फ़ोन में ये गूगल क्रोम एप्लीकेशन जो कि एक वेब ब्राउज़र है ये प्री इंस्टॉल्ड आपको देखने को मिल जाता होगा जो कि आपके फ़ोन में फ़िलहाल अवेलेबल होगा। तो आज मैं इसी गूगल क्रोम वेब ब्राउज़र के अंदर आपको 10 ट्रिक्स बताऊँगा जिसे आप अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इसे आपके लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगा अगर आप इस गूगल क्रोम वेब ब्राउज़र को यूज़ करते हैं। तो मेरा नाम है अरुण और आप देख रहे हैं टेक्निकल हाइब यूट्यूब चैनल को और चलिए इस वीडियो को यहीं शुरू करते हैं। सबसे पहला ट्रिक है फाइंड वर्ड्स इन अ वेब पेज। तो अगर आपको कोई वेब पेज के अंदर कोई पर्टिकुलर वर्ड ढूंढना है तो ये आप क्रोम ब्राउज़र में कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपको उस वेब पेज को खोल लेना होगा, उसके बाद आपको 3 डॉट्स पे क्लिक करने होंगे, उसके बाद आपको फाइंड इन पेज का ऑप्शन पे क्लिक करना होगा और वहाँ ऊपर में आपको उस वर्ड को टाइप करना होगा जो कि आपको सर्च करना है उस वेब पेज के अंदर। और जैसे ही हम यहाँ सर्च करेंगे तो आपको इसके अंदर आपको सारे रिजल्ट्स देखने को मिल जाएंगे। जहाँ जहाँ पर आपका वो वर्ड दिखेगा वहाँ पर वो सारे वर्ड हाईलाइटेड दिखेंगे जैसे कि आप देख पा रहे होंगे। और यहाँ से आप राइट कॉर्नर से जो आप देख पा रहे हैं पूरे पेज के अकॉर्डिंगली यहाँ दिया हुआ है, आप वहाँ से भी ब्राउज कर सकते हैं, तो ये भी काफ़ी अच्छा फीचर है। तो चलिए अब बढ़ते हैं दूसरे ट्रिक की ओर। दूसरा ट्रिक है स्विचिंग टैब्स। तो जैसे कि आप ब्राउज करते होंगे गूगल क्रोम के अंदर तो आप डिफरेंट टैब्स ओपन कर रखते होंगे, तो अगर आपको डिफरेंट टैब्स में अगर आपको जाना है तो इसके अंदर मैंने 2 कैटेगरी में डिवाइड किया है। तो चलिए सबसे पहले कैटेगरी देख लेते हैं। सबसे पहला कैटेगरी है लेफ्ट टू राइट आपको ड्रैग करना होगा। तो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं ये इतने सारे टैब्स मेरे खुले हुए हैं, तो इन सभी को अगर हम स्विच करना चाहें एक टैब से दूसरे टैब के अंदर शॉर्टकट ली, तो आपको सिंपली वहाँ टैब पे लेफ्ट टू राइट स्लाइड करना होगा। जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट टैब स्लाइड करके एक टैब से दूसरे टैब में सिंपली ट्रांसफ़र हो सकते हैं। दूसरे कैटेगरी के अंदर आपको करना क्या होगा, सिंपली आपको एड्रेस बार से नीचे ड्रैग करना होगा, तो आप वहां से सारे टैब्स को देख पाएंगे मॉडर्न स्टाइल के अंदर। तो जहां पर से आप अपने अनुसार कोई भी टैब अपने अनुसार सिलेक्ट करके खोल सकते हैं इस मेथड के जरिए। तो ये हमारा हो गया दूसरा कैटेगरी। तो चलिए अब हम तीसरे ट्रिक की ओर बढ़ते हैं। तीसरे ट्रिक है डाउनलोड वेब पेजेस के अंदर। तो इसके अंदर भी आपको 2 कैटेगरी देखने को मिल जाएगी, पहला है ऑनलाइन और दूसरा है ऑफलाइन। तो अगर आप वेब पेज डाउनलोड करना चाहते हैं अगर आप ऑनलाइन हैं तो सिंपली आपको करना क्या होगा कि सबसे पहले तो आपको उस वेब पेज को खोल लेना होगा जो जिसे आप डाउनलोड करना चाहते हैं। खोल लेने के बाद आपको 3 डॉट्स पे क्लिक करना है, उसके बाद यहाँ पर डाउनलोड आइकन पे क्लिक करना है जिससे कि आपका ऑफलाइन वो डाउनलोड हो जाएगा वो वेब पेज। तो चलिए मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ डाटा कनेक्शन ऑफ करके। तो जैसे कि आप देख सकते हैं डाटा कनेक्शन ऑफ हो चुका है, अब हम डाउनलोड्स के अंदर जाते हैं और देख पाएंगे यहाँ पर वेब पेज डाउनलोड हो चुका है। तो इसे इस पर क्लिक करने के बाद आप देख पा रहे होंगे यहाँ ये रहा हमारा वेब पेज जो कि हमने डाउनलोड कर रखा था, ये वेब पेज आपका खुल चुका है ऑफलाइन के फॉर्म में। तो जहाँ पर से आप इन वेबसाइट में दिए गए डिटेल्स को आप चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए अब बढ़ते हैं दूसरे कैटेगरी की ओर जो कि है ऑफलाइन मेथड। दूसरे कैटेगरी की ओर आने के बाद आप देख पाएंगे जो कि है ऑफलाइन मेथड। तो ऑफलाइन मेथड में आपको मैं दिखा देता हूँ, ये रहा हमारा नेट कनेक्शन ऑफ किया हुआ है। तो अगर आपको ऑफलाइन अगर हैं आप और अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं कोई वेब पेज को, तो सबसे पहले तो आप उस वेब पेज का लिंक या फिर उस वेब पेज को खोल लें। जैसे कि आप खोलेंगे तो आपको यहाँ इस तरह का नज़र आएगा और नीचे ऑप्शन में आप में क्लिक कर लेंगे डाउनलोड व्हेन ऑनलाइन। तो जैसे कि आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर डाउनलोडिंग शुरू हो जाएगा जो कि नेटवर्क का वेट कर रहा होगा, और जैसे हम डाटा कनेक्शन ऑन करेंगे तो ये वेब पेज आपका ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो जाएगा बैकग्राउंड में। तो ये वेब पेज आपका बैकग्राउंड में डाउनलोड हो जाएगा, उसके बाद इसके अंदर जाके इस वेब पेज को ओपन कर सकते हैं आप ऑफलाइन मोड के अंदर भी। जैसे कि हमारा यहाँ डाउनलोड कंप्लीट हो चुका है तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ ऑफलाइन मोड में खुल चुका है जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे। तो ये हमारा हो गया तीसरा ट्रिक कंप्लीट। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने चौथे ट्रिक की ओर।
चौथा ट्रिक है सेव द वेब पेजेस एज पीडीएफ फॉर्म। तो बहुत लोगों का सवाल होता है, जैसे कि आप कोई फॉर्म भर रहे हैं या फिर कुछ अन्य काम कर रहे हैं, तो उस वेब पेज का आपको अगर पीडीएफ कॉपी चाहिए तो वो करना किस तरह है। सबसे पहले तो वो वेब पेज का आपका खुला होना चाहिए। तो खुला होने के बाद अब वो करना क्या होगा, सिंपली वहाँ पर आपको थ्री डॉट्स पे क्लिक करने होंगे। थ्री डॉट्स पे क्लिक कर लेने के बाद आपको वहाँ पर दिख जाएगा शेयर का ऑप्शन। शेयर का ऑप्शन दिख जाने के बाद आप वहाँ से प्रिंट का ऑप्शन ढूंढ सकते हैं। प्रिंट का ऑप्शन ढूंढ लेने के बाद आप उस प्रिंट आइकन पर क्लिक कर लें। प्रिंट आइकन पर क्लिक कर लेने के बाद आप वहाँ पर देख पाएंगे एक पीडीएफ फॉर्म का एक पेज खुल चुका है। तो यहाँ सेव एज पीडीएफ ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, जैसे कि आप यहाँ, मैं आपको क्लिक करके दिखा देता हूँ, ये रहा आपका सेव एज पीडीएफ का ऑप्शन। तो सबसे पहले तो यहाँ पर आपको डाउनलोड बटन पर क्लिक करना है। डाउनलोड बटन पर क्लिक कर लेने के बाद आपको वो लोकेशन सेट करनी होगी जहाँ पर आप इस पीडीएफ फाइल को सेव करना चाहते हैं। तो जहाँ पर आपको सेव करना हो उसका लोकेशन सेलेक्ट कर लीजिए, उसके बाद सेव आइकन पर क्लिक कर लीजिए। तो आपका वो पीडीएफ डाउनलोड होकर सेव हो चुका होगा और आप इस पीडीएफ को बाद में अपने फाइल मैनेजर से खोल के आप व्यू कर सकते हैं। तो ये फीचर काफ़ी इम्पोर्टेंट है और बहुत सारे स्टूडेंट लोगों के लिए काम भी है। तो इस फीचर का ज़रूर उपयोग करें अगर आपने ये फीचर का उपयोग नहीं किया है अभी तक। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने पांचवे ट्रिक की ओर। पांचवा ट्रिक है एक्सेसिबिलिटी टैब स्विचर। तो ये ऑप्शन में आप जनरली ओल्ड वर्जन के फॉर्म में चले जाएंगे। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ प्रैक्टिकल। सबसे पहले तो आपको क्रोम ब्राउज़र खोल लेना होगा। क्रोम ब्राउज़र खोल लेने के बाद आपको वहाँ एड्रेस बार में लिखना होगा chrome:// flags। तो ये लिख लेने के बाद आपको सिंपली एंटर करना होगा। एंटर कर देने के बाद आपका कुछ वेब पेज या एक्सपेरिमेंटल टैब आपका खुल चुका होगा जहाँ पर आपको सर्च करना होगा एक्सेसिबिलिटी। तो एक्सेसिबिलिटी सर्च कर लेने के बाद आपको नीचे ऑप्शन दिख रहा होगा एक्सेसिबिलिटी टैब स्विचर, तो इसे आपको इनेबल करना होगा। तो इसे इनेबल कर लेने के बाद आप इस क्रोम ब्राउज़र को रिलॉन्च करिए। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे ये रहा न्यू मॉडर्न टाइप ऑफ टैब जो आपको देखने को मिलता है, और आप रिलॉन्च करेंगे तो आपका कुछ पुराने फॉर्म में आपको देखने को मिलेगा। तो जैसे कि अब हम टैब्स में क्लिक करते हैं तो ये रहा हमारा ओल्ड वर्जन जैसे दिखने लगा है। तो अगर आपको क्विकली स्विच करना है एक टैब से दूसरे टैब्स में, तो आप इस पुराने ओल्ड वर्जन को भी ट्राई आउट कर सकते हैं। तो ये हमारा हो गया पांचवा ट्रिक। तो चलिए अब हम छठे ट्रिक की ओर चलते हैं। छठा ट्रिक है, अगर आपको शॉर्टकट क्रिएट करना है आपके होम स्क्रीन के अंदर कोई एप्लीकेशन के फॉर्म में, तो सबसे पहले तो आपको क्रोम ब्राउज़र खोल लेना होगा। उसके बाद आपको उस वेब पेज का लिंक या फिर आप उस वेब पेज को खोल लीजिए जिसे आपको होम स्क्रीन में ऐड करना है। जैसे कि मैंने यहाँ फेसबुक खोल रखा है, तो उसके बाद आपको थ्री डॉट्स पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ ऑप्शन आपको दिखेगा ऐड टू होम स्क्रीन, उस पर क्लिक कर लेने के बाद आप उस आइकन का नाम सेट कर लीजिए अपने मन मुताबिक। तो मैं यहाँ सिंपली फेसबुक रखे रहता हूँ। उसके बाद आप देख पाएंगे आपके होम स्क्रीन के अंदर आपको उस फेसबुक का एप्लीकेशन का आइकन टाइप आपको देखने को मिल जाएगा, जहाँ पर से आप क्लिक करके दोबारा से क्रोम ब्राउज़र के अंदर उस वेब पेज को आप खोल सकते हैं। तो यह भी काफ़ी अच्छा फीचर है। तो अब बढ़ते हैं अब सातवें ट्रिक की ओर। सातवां ट्रिक है क्विक एक्शंस। तो क्विक एक्शंस के लिए आपको करना क्या होगा, आपको सिंपली क्रोम ब्राउज़र खोल लेना होगा। उसके बाद आपको थ्री डॉट्स पे दबाए रखना होगा और उस ऑप्शन पे आपको ले जाके छोड़ना होगा जो ऑप्शन आपको यूज़ करना है। जैसे कि यहाँ डाउनलोड्स पे मैंने छोड़ दिया तो वो डाउनलोड्स ऑप्शन खुल चुका है। तो ये भी आप काफ़ी यूज़फुल ट्रिक है। अगर आपके हाथ नहीं छोड़ना है तो आप सिंपली होल्ड करके उन ऑप्शन पे क्लिक करके आप उन ऑप्शन के अंदर जा सकते हैं जिसके अंदर आपको जाने का मन है। तो ये भी काफ़ी शॉर्टकट फीचर है जो कि काफ़ी अच्छा मोड है। दबाए रखने से ही आप उन सभी ऑप्शंस को आप यूज़ कर पाएंगे बिना दो तीन क्लिक किए, आप सिंपली एक ही होल्ड करे रहते ही कर सकते हैं, इस ट्रिक का आनंद उठा सकते हैं। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं आठवें ट्रिक की ओर। आठवां ट्रिक है ऑफलाइन डायनासोर गेम। तो इसमें आपको दिखाता हूँ, मेरा ये डाटा कनेक्शन ऑफ है। तो अगर आप डाटा कनेक्शन ऑफ है और अगर आपको ये वेब पेज देखने को मिलता है तो सिंपली आपको उस डायनासोर आइकन पे क्लिक करना होगा। तो आपका डायनासोर आपका चलने लगेगा।
मीन्स आपका गेम स्टार्ट हो चुका होगा और आप उस डायनासोर पे क्लिक करेंगे या फिर उसके आसपास कहीं पर क्लिक करेंगे तो वो जंप करेगा। तो ये एक ऑफलाइन मोड गेम है जो कि आप कंप्यूटर में पहले हुआ करता था, लेकिन ये क्रोम ब्राउज़र एंड्रॉयड में भी उपलब्ध है। ये बहुत लोगों को नहीं पता है, लेकिन ऑफलाइन मोड में आप टाइम पास के लिए ये गेम खेल सकते हैं अगर आप मोबाइल में खेलना चाहें तो। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने नौवें ट्रिक की ओर। नौवा ट्रिक भी एक तरीके से एनिमेशन है, फ्लिप द क्रोम फॉर एनिमेशन। तो आपको इसमें करना क्या होगा, क्रोम खोल लेना होगा, उसके बाद आपको सबसे लास्ट टैब खोल लेना होगा, मीन सबसे रिसेंट टैब आपको खोल लेना होगा। उसके बाद आपको नीचे से ऊपर 4 या 5 बार ऊपर नीचे करना होगा। तो आप देख पाएंगे कि यहाँ पर आपका पूरा क्रोम टैब्स आपका फ्लिप होने लगता है। तो ये एनिमेशन काफ़ी अच्छा है और ये एनिमेशन बहुत सारे लोगों ने नहीं बताया आप लोगों को। तो ये ऑप्शन मतलब मीन्स है ऑप्शन इस क्रोम वेब ब्राउज़र के अंदर, लेकिन बहुत लोगों ने नहीं बताया। तो आप भी अपने फ़ोन में ये फ्लिपिंग का एनिमेशन ज़रूर ट्राई करें, क्योंकि ये अच्छा एनिमेशन है और देखने में भी काफ़ी अट्रैक्टिव लगता है। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने 10वें ट्रिक की ओर। 10वां ट्रिक है SD कार्ड एक्सेस। तो आप क्रोम ब्राउज़र के अंदर से भी आप इंटरनल स्टोरेज को एक्सेस कर पाएंगे। जी हाँ, आपने सही सुना, अगर आपके पास फ़ोन में फाइल मैनेजर नहीं है तो तब भी आप अपने क्रोम ब्राउज़र के अंदर से आप अपने इंटरनल स्टोरेज को एक्सेस कर पाएंगे। जैसे कि अगर आपका APK इंस्टॉल करना है या फिर कुछ और यूज़ करना है तो आप सिंपली क्रोम ब्राउज़र के अंदर से भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको दिखा देता हूँ करके। क्रोम ब्राउज़र खोल लेने के बाद आपको वहाँ लिखना होगा फाइल कोलन /SD कार्ड। ये सारे वर्ड्स लिख लेने के बाद आपको सिंपली सर्च बटन पर क्लिक करना होगा। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे ये रहा कोड, आप इसे ही टाइप करें और जैसे ही सर्च करेंगे तो आपका कुछ फाइल मैनेजर का आपका HTML फॉर्म में आपका देखने को मिल जाएगा, जहाँ पर से आप आपके SD कार्ड के अंदर जितने फोल्डर्स है वो सारे आपको देखने को मिल जाएंगे। तो आप यहाँ से एक्सेस कर पाएंगे। तो चलिए मैं आपको यहाँ कुछ कुछ फ़ोटोज़ आपको खोल के दिखा देता हूँ कि ये रियली में आपका इंटरनल स्टोरेज से ही आपका एक्सेस हो रहा है। तो जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हो यहाँ इमेजेस खुल चुका है। तो इसी तरह आप क्रोम ब्राउज़र के अंदर से भी आप इंटरनल स्टोरेज को एक्सेस कर पाएंगे और आप कोई भी मीडिया फाइल भी एक्सेस कर पाएंगे। जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं JPG फाइल मैंने एक्सेस किया, आप चाहे तो वीडियो भी खोल सकते हैं और भी बहुत सारे फाइल्स खोल सकते हैं अगर आपके फ़ोन में उस फॉर्मेट के लिए कोई एप्लीकेशन मौजूद है तो ही आपका खुलेगा। तो आप देख सकते हैं कि ये सारे JPG फाइल्स खुल चुके हैं और अब बहुत सारे फाइल्स को खोल सकते हैं इस क्रोम ब्राउज़र के अंदर से जो कि आपके इंटरनल स्टोरेज के अंदर मौजूद है। तो आपको पता लग गया होगा ये सारे 10 ट्रिक जो मैंने इस वीडियो में आप लोगों के लिए रखे हुए थे स्पेशल। तो अगर आप लोगों के लिए ये हेल्पफुल रहा या फिर कुछ नया जानने को मिला तो इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। तब तक मैं मिलना चाहूँगा आपसे अगले वीडियो में। टिल देन बी हेल्पफुल एंड हेल्प अदर्स। गुड बाय।